हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वातिज फूड टॉनिक। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी। इसे बनाना बहुत ही इजी है और एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसे आप घर में झटपट से बना सकते हो, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 250 ग्राम पनीर लेंगे और उसे अच्छे से क्रश कर लेंगे। यहाँ मैंने घर का ताज़ा बना हुआ पनीर लिया है। ये देखिए, अब मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे और गैस को ऑन कर देंगे। फिर हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। यहाँ आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड ऑयल डालना है क्योंकि इसे आपको ढाबा स्टाइल बनाना है। ये देखिए, अब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और 1 टीस्पून धनिया डालेंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। फिर हम इसमें चुटकी भर मेथी पाउडर डालेंगे और उसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब ये हमारा जीरा और धनिया अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। यहाँ मैंने 2 प्याज लिए हैं जिसे मैंने अच्छे से काट लिया है। उसे अब हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से एक बार चला लेंगे। इस टाइम आपको अपनी गैस की फ्लेम मीडियम फ्लेम में रखनी है। अब हम इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट आपको इस समय इसमें ऐड करना है क्योंकि ये पकने में थोड़ा सा टाइम लेता है। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च अच्छे से काट के डाल देंगे और उसे भी एक बार चला लेंगे। अब हम इसे पकने देंगे। ये देखिए, अब हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। हमें प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। भुर्जी में आपको थोड़ा कच्चा कच्चा प्याज अच्छा लगता है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए हैं जिसे मैंने अच्छे से काट लिया था और इसे भी अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसे पकने के लिए मीडियम आंच में रख देंगे। ये देखिए, अब हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। जब हमारा मसाला ऑयल छोड़ दे तो इसका मतलब है अब हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। और ये देखिए, इसका कलर भी कितना अच्छा आ चुका है। अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ पनीर डाल देंगे। और इसे अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आपको कुछ इस तरह से इसे अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेना है। और इस तरह से आपको पनीर को तोड़ते जाना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो। ये देखिए, इस तरह से आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, अब मैंने पनीर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक का डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून किचन किंग का डाल देंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी का डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम में 5 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए, अब इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे। फिर हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालना ऑप्शनल है। हरा धनिया डालने से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, अब हमारी टेस्टी सी पनीर भुर्जी बनके तैयार है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी ये पनीर की सिंपल एंड ईजी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।